एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस ब्लॉग में। मैं मोहम्मद तबरेज अंसारी, आपका दोस्त। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि एक साल से हमने रसिया में वर्क वीजा के लिए अप्लाई किया था, तो फाइनली हमारा अभी सब चीज कंप्लीट हो गया और हम ऑलरेडी रसिया में आ चुके हैं। और हमारा कंपनी जो है और रोनासेंस है। हम अभी फिलहाल में होटल में स्टे कर रहे हैं। 2 दिन के लिए हमें इसी होटल में रखा गया है और उसके बाद 2 दिन के बाद वो लोग आएंगे जो अपना कैंप में है, जो कैंप में लेके जाने वाले हैं। तो 2 दिन के बाद आते हैं, तब तक सोचा कि हमने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। तो अभी तो हम होटल रूम में ही हैं, लेकिन थोड़े देर के बाद हम जाएंगे बाहर और बाहर का क्या नज़ारा है। अभी फिलहाल में यहाँ पे पूरा बर्फ गिरा हुआ है, स्नोफॉल हुआ है और पूरे रोड पर स्नो ही स्नो पड़ा हुआ है। तो बाहर निकलने के बाद हम आपको कुछ यहाँ का नज़ारा है वो दिखाएंगे। तो यह है होटल रूम, डबल बेड दिया हुआ है। अब ठीक ही है, मान लो कंपनी प्रोवाइड करवाया है तो होटल सही है। ये देख सकते हैं, इधर जो है एक ड्रॉर है कपड़े के लिए, वॉश बेसिन, शावर, एक गैलरी है, ये फ्रंट है, ये एग्जिट एंट्री दरवाज़ा है, ये देख सकते हैं। ठीक ही है, LCD लगा रखा है। मोहित भाई खाली बेड ले लीजिए। कौन सा बेड? सादा वाला। दोस्तों ये है रसिया। अभी मैं इस वक्त रसिया में हूँ। ये होटल है जिस होटल में हम लोग रुका हुआ है। यहाँ पे हमें 2 दिन रुकना है और 2 दिन के बाद फिर कंपनी का कैंप है, वहाँ पे जाना है। देखिए अभी रसिया में तकरीबन 6-7 डिग्री माइनस है, देख सकते हैं आप। ये मेरा होटल का बाहर का, ये जो देख रहे हैं, ये मेरे जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल के बाहर का ये सीन है। ये बर्फ़ गिरा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये वो होटल है जिसमें हम रुके हुए हैं, अजीमुत होटल नाम है इसका, देख सकते हैं आप। देखिए वो छत के ऊपर से बर्फ नीचे गिरा रहा है, लोग कुछ वर्कर है, 2-3 वर्कर है जो छत के ऊपर से बर्फ नीचे गिरा रहा है। ये देखिए, हेलो दोस्तों। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं रसिया के मॉस्को सिटी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। तकरीबन 1 साल के कोशिश के बाद हमारा जो ये वीजा का काम हुआ है कंप्लीट हुआ है, आप देख सकते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं रसिया मॉस्को। हेलो दोस्तों,
देखिए हाईवे पर आ चुका हूँ और यहाँ पे देखिए एक मेट्रो खड़ी हुई है, ये बस है, इलेक्ट्रिक बस, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा ठंड है अभी यहाँ पे, हाथ जो है वो काम करना बंद कर दिया है क्योंकि हमने हैंड ग्लोव्स नहीं पहन रखा है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर से बर्फ़ को हटाया गया है। एक्चुअली यहाँ पे हमेशा रोड से बर्फ़ हटा दिया जाता है क्योंकि ये स्लिपरी बहुत ज़्यादा है और स्लिप बहुत करता है पैर, इसलिए यहाँ पे रोड को क्लीन कर दिया जाता है पब्लिक के सुविधा के लिए। आप देख सकते हैं आगे वो एक फुट ब्रिज है और ये आपके सामने जो बिल्डिंग्स है, ये जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल का ये बैक व्यू है। ये देखिए ये जो है ये इस होटल का बैक व्यू है, देख सकते हैं मैं होटल के पीछे आया हुआ हूँ, देख सकते हैं आप। अभी माइनस 6-7 डिग्री तो है ही, क्षेत्रफल के हिसाब से रसिया इस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो ये 11 देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। बता दें कि यहाँ पे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ठंड है और स्नोफॉल हुआ है। ये मॉस्को सिटी है। मॉस्को सिटी रसिया के पॉपुलेशन जो है 14,43,00,000 है, उसमें से तकरीबन 70% जो पॉपुलेशन है वो मॉस्को सिटी में ही रहती है, बाकी के 30% जो है वो देहात और गांव एरिया में रहता है। यहाँ का ये मेट्रो है छोटा सा मिनी, देख सकते हैं आप।